इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें नस्ली तफाखुर से मना किया कि आला जात, अदना जात, छोटी जात, बड़ी जात, इस तसव्वुर के ऊपर मत इतराओ। अल्लाह ताला ने तुम्हें एक नफ्स वाहिद से पैदा किया, आदम और हव्वा से तुम्हें पैदा किया, और तुम्हें कबाइल में इसलिए तकसीम किया लितआरफू, ताकि सिर्फ तुम्हारी शनाख्त हो सके, लेकिन तुम्हें इस बुनियाद पे बड़क मारने की, फड़ मारने की, बड़ाई मारने का कोई इख्तियार नहीं है। मैं आला हूं, मैं बेहतर हूं, क्यों? मैं आवान हूं, मैं मलक हूं, मैं खान हूं, मैं चौधरी हूं, मैं राजपूत हूं, मैं मियां हूं, मैं अराई हूं, मैं गुजर हूं, मैं फुला हूं, मैं फुला हूं, ये सब का सब क्या है? अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हें इस बात के ऊपर तकब्बुर करने की, इस नस्ल के ऊपर गुरूर करने की हरगिज़ इजाजत नहीं है। फरमाया अगर तुम में से कोई बड़ा है, अगर तुम में से किसी की इज्जत है, अगर तुम में से किसी की तकरीम है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक उसकी इज्जत है जिसका तकवा बुलंद है, जिसका तकवा बुलंद है। अब इसे मैं मुआफी के साथ, माजरत के साथ, मेरे ऊपर कर्ज है इस बात को कहना, मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि आला जात का कौन है और अदना जात का कौन है, खानदानी कौन है और कमी कौन है, ये मायार मुझे, आपको या किसी और को यह मायार तय करने का इजाजत और इसका इख्तियार नहीं है। यह इख्तियार अल्लाह के पास है, यह अल्लाह ने तय किया, और अल्लाह ने यह तय किया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में बुलंद मर्तबे का वो है, आला जात का वो है, बड़ी जात का वो है जिसका तकवा अल्लाह पे बुलंद है, और तुम में अदना जात का वो है, तुम में छोटी जात का वो है, तुम में कमी वो है जिसने अल्लाह को छोड़ दिया, उसके फरामीन को छोड़ दिया, उसके नबी के अहकामात को छोड़ दिया, उसकी नबी की शरीयत को छोड़ दिया, वो अदना जात का है, वो कमी है तुम्हारे अंदर, जिसे तुम कमी कहते हो अंग्रेज के बनाए हुए मायार के ऊपर। हिंदुओं के साथ 1500 बरस का अरसा गुजारने की बदौलत जिन्हें तुम शूदर कहते हो, जिन्हें तुम छोटी जात का कहते हो, खुदा के नजदीक वो छोटी जात के नहीं है। किसी पेशे के ऊपर, कोई पेशा इख्तियार करने के ऊपर किसी को ताना नहीं दिया जा सकता कि ये मोची है तो कमी है, ये तरखान है तो कमी है, नहीं है वो कमी। अगर उनका तकवा बुलंद है तो वो आला जात के हैं, वो खानदानी है। अगर किसी का तकवा कमतर है, कोई अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं रखता, कोई उसकी शरीयत, उसके महबूब की शरीयत की पासदारी नहीं करता, चाहे वो मलक है, चाहे वो खान है, चाहे वो चौधरी है, चाहे वो राजपूत है, वो कमी होगा, वो अदना जात का होगा अगर वो मुस्तफा की शरीयत का पासदार नहीं।